जय हिंद, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आ रही है आपको मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने पूरा फुल एक्सप्लेन किया था महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है सब उसमें एक्सप्लेन किया था। लेकिन जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उनकी तरफ से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के लिए वैकेंसी निकल के आई है और इसके अंदर काफ़ी सारे पोस्ट भी इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 4 यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। एक तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दूसरा है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और दूसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड और चौथा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कुछ इस तरह का आपका 4 यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल लेवल की है। इसका आपका लोकेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका एक बिहार रहेगा, एक झारखंड दिख रहा है, एक हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, तो इस तरह आपका लोकेशन वही रहेगा। लेकिन आपका जो यूनिवर्सिटी रहेगा यानी आपका जो पोस्ट रहेगा वो सेंट्रल लेवल का रहेगा। तो कुछ इस तरह इसके अंदर है। मैं आपको बता दूँ इसके अंदर जो अप्लाई करने का फ़ीस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, यानी इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जनरल और ओबीसी वालों के लिए 1500 है और यहाँ पे इंदिरा गांधी में यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ रिलैक्सेशन दिया गया है, वो भी वुमेन को, वुमेन के लिए यहाँ पे 600 रुपये यहाँ पे हैं कोई भी वुमेन हो। और इसी तरह अगर जनरल और ओबीसी से कोई कैंडिडेट आता है तो उसके लिए 1000 रुपया फ़ीस यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और नीचे आएंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, झारखंड में भी आपको जो जनरल वालों के लिए 1500 रुपये हैं और जो एससी एसटी वालों के लिए उनके के लिए 1000, इसमें भी वैसी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में भी आपको 1500 रुपये आपके एप्लीकेशन फ़ीस है। तो एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लिया जा रहा है, इसलिए जो आप मल्टीपल आपके पास अगर आप फाइनेंशियल आपके पास सपोर्ट है यानी आपके पास पैसा वैसा है तो आप सब में अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपके पास पैसा वैसा नहीं है तो आप किसी एक में अप्लाई करके आप अपना सीट सिक्योर कर सकते हैं। तो इन सब का एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउन करना है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर यह वेबसाइट है, या फिर आप अपने गूगल में सर्च भी कर सकते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटी की तरफ से ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, इस पर क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं, यहीं पे सब कुछ दिया हुआ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर क्लिक करने के बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ उसके बाद ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इस पीडीएफ को ओपन किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। ये जो आपका लोकेशन रहेगा वो दिल्ली रहेगा, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है। और जैसे नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, मैं आपको बता चुका हूँ एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगा इसके अंदर, 600 रुपया है वुमेन के लिए और ओबीसी के लिए 1000। और देख सकते हैं 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें काफ़ी सारे पोस्ट इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट, इसके अंदर 2 ही पोस्ट है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक ए और एक ये, और उसके अंदर जो 12th पास मांगा गया और आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर 2 ही है। उसके बाद जब बैक आते हैं तो बैक आने के बाद दूसरे यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में मैं तो आपको बता ही चुका हूँ, उसका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप उसके लॉन्ग वीडियो में पहुँच जाएंगे और वहाँ पे मैंने फुल एक्सप्लेन किया हूँ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, झारखंड में जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप एक एक करके देख सकते हैं, इसका भी सबका जो एप्लीकेशन डेट है वो 1 से 21 दिसंबर के अंदर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसके अंदर, 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस, इतना एप्लीकेशन फ़ीस कौन लेता है जब मालूम है कि इतने हाई एप्लीकेशन फ़ीस है कम लोग अप्लाई करेंगे। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इसमें सिलेक्शन चांस होने के कम रहते हैं और ऊपर में इतना एप्लीकेशन फ़ीस रहता है, लेकिन इसमें आपको अच्छा पोस्ट रहता है, एक बार इसमें सिलेक्शन हो जाए तो आपकी लाइफ बन जाती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं आपका कैटेगरी वाइज है, पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं, क्लर्क का है, लोअर क्लर्क का है, अपर क्लर्क का है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, और यहाँ पे सैलरी भी देख सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का सैलरी कुछ इस तरह डिवाइड किया गया है।
मेन बात हम इस पे आते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के लिए बता दूँ यहाँ पे टेंथ और ट्वेल्थ के बारे में। ट्वेल्थ के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं टेंथ पास यहाँ पे दिया हुआ है, पोस्ट ड्राइवर का पोस्ट है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे भी लोअर डिवीजन क्लर्क का है जो ट्वेल्थ पास की तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर आएंगे तो बैचलर डिग्री वालों के लिए है ऊपर में। आप बी एस सी किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो बी एस सी किए हुए हैं ऊपर ऐसे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कीजिए, इसको रीड कीजिए, इसको समझिए और उसके बाद अप्लाई कीजिए। कभी भी कोई बताए तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने का, उसको समझने का, उसके बाद उसमें अप्लाई करने का। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद देख सकते हैं इसके अंदर टेंथ पास कहा गया है। तो अगर टेंथ पास है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद ITI किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया कि सवाल किस तरह के रहेंगे। सिलेबस सेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा हुआ है द एग्ज़ामिनेशन फॉर पेपर वन का एग्ज़ामिनेशन क्या रहेगा, कितने क्वालिफिकेशन कितने मिनट का दिया हुआ है, सब इसके अंदर आपको क्या करके दिया हुआ है। उसके बाद ऊपर आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप 12th पास से अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप 10th पास से अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर पास आप 12th पास किए हुए साइंस स्ट्रीम में तो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से अगर किसी एक आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस तरह इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बैक आते हैं तो बैक आने के बाद यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं एक और एडवर्टाइजमेंट है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं डाउनलोड करने के लिए कहा गया। जैसे मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो PDF ओपन हो जाएगा। PDF होने में थोड़ा टाइम लगता है तो ये PDF आ गया ऑप्शन ओपन होने का। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से देख सकते हैं। इधर भी सेम एप्लीकेशन फीस है, सेम सब कुछ है। और उसके अंदर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट यहाँ पे भी दिए हुए देख सकते हैं। लैबोरेटरी असिस्टेंट, होटल अटेंडेंट, कुक का भी इधर पोस्ट है, मल्टी टास्किंग स्टाफ का भी है, टास्किंग स्टाफ देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे बैचलर डिग्री वाले के लिए है। उसके बाद 10th पास की ITI की हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट कुक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 2 की सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद नीचे आएंगे 10th क्वालिफाइज है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये कौन से देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम दिया हुआ है, किचन अटेंडेंट का ये पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद होटल अटेंडेंट का पोस्ट है, अगर आप 10th पास किए हुए तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद 12th पास वाले के बच्चों के लिए भी, अगर 12वीं पास किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 1 की सैलरी है और यहाँ पे देख सकते हैं लैबोरेटरी अटेंडेंट का ये पोस्ट है। तो कुछ इस तरह आप एक करके आप पढ़ सकते हैं क्वालिफिकेशन। एग्ज़ाम सिलेबस भी नीचे दिया रहता है, आप नीचे आएंगे तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है सब दिया रहता है इसके अंदर। तो कुछ इस तरह आप इसमें देख सकते हैं। जैसे मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद आप लोग अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर जो दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस होगा, यहीं से आपको चयन करना है कि आप किस में अप्लाई करना है। अगर आपको सब में अप्लाई करना है तो एक करके आप सब फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपको एक में अप्लाई करना है तो कोई एक में भी अप्लाई कर सकते हो। तो क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। आपको जानना है कि फॉर्म कैसे फिल करना है तो उसके रिलेटेड में फुल वीडियो लेके आऊँगा, या फिर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है आप वहाँ से देख के भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।